एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने आई हूँ वो है शॉल को अलग अलग तरीके से स्टाइल करना। तो इसमें वीडियो में मैंने तीन तरीके से आपको स्टाइल करना बताया है। तीनों जो मैंने आपको स्टाइल ड्रेप करना बताया है वो कैसा लग रहा है? तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं ये ब्लैक शॉल यूज़ कर रही हूँ जिसका बॉर्डर बहुत चौड़ा है। तो आपको इस तरह प्लेट बना लेनी है। अगर आपके में बॉर्डर है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में बनाया है ऐसे बॉर्डर को फ्रंट पे लाइए, फिर अपने शोल्डर्स के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाइए। ठीक है, अभी आप देखेंगे यूँ इस तरह, और दोनों बराबर होने चाहिए नीचे। ठीक है, उसके बाद ये बेल्ट से आप अपने वेस्ट से, चाहे वेस्ट से अगर आपको अच्छा लगे या थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, मैंने यहाँ वेस्ट से किया है। ठीक है, और ये पहला लुक रेडी है। बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही ईजी बीजी है, आप आराम से कैरी कर सकते हो। कोई झंझट नहीं है कि हाँ कैसे लें, कैसे गिर रहा है, ये है वो है। ठीक है, सो बहुत ही प्यारा लुक है। सेकेंड लुक में आपको अपने शोल्डर से पूरा ऐसे लेके जाना है, शॉल को ओपन रख के हुए दोनों शोल्डर पे रखना है। ठीक है, और अपने एल्बो के पास से शॉल को अंदर की तरफ लेना है, फिर बेल्ट से जैसे पहले मैं वेस्ट के पास से सिक्योर किया था वैसे यहाँ भी कर लेना। और अच्छे से जो नीचे आप जब करोगे तो प्लेट्स इधर उधर होंगी, तो आप उसे अच्छे से एडजस्ट कर लो, और ऐसे ही अपने एल्बो के पास भी कर लो। ठीक है, ये सेकेंड लुक भी रेडी है, मतलब सेकेंड ड्रेप भी रेडी है। ये भी बहुत इजी है, कोई झंझट नहीं है, और बहुत ही क्लासी लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप बताना आपको कौन सा ड्रेप सबसे अच्छा लगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है। थर्ड लुक थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही प्यारा है। आपको अपने शॉल के दोनों छोर पे, ठीक है, दोनों एंड पे ऐसे पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद पीछे से ले जाके, जैसा कि आप देख रहे हो, अपने हाथों के बीच से ऐसे डाल लेना है, फिर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो पीछे ये कपड़ा बचा हुआ है उसको आपको अपने शोल्डर से ऊपर लाते हुए सामने लाना है। ठीक है, अभी आप देखिएगा यूँ है, और आप यूँ इस तरह के तरीके से ऊपर लेके आओगे। ठीक है, अब आप इसमें ही एडजस्ट कर लो, अपने हाथ निकाल लो, थोड़ा लगेगा आपको कि अभी ये क्या हो रहा है, बट एंड में आप देखना कितना प्यारा लुक लगेगा। आप बिलीव ही नहीं करोगे कि शॉल को इस तरीके से भी कैरी किया जा सकता है, ड्रेप किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है दोनों बॉर्डर को, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन की मदद से आपको पिनअप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने सेफ्टी पिन ली है, आप इसे पिनअप कर लो, और बस रेडी है आपका ये तीसरा और लास्ट लुक। बहुत प्यारा लुक है, आप बताना आपको कैसा लगा। एक तरीके से आपकी टॉप भी हो गई है ना, कह सकते हो स्वेटर टॉप कम, जो भी आपको जो लगे। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करिएगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको सबसे अच्छा ड्रेप कौन सा लगा शॉल का वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी अगर आपको स्टाइल, फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए अगली बार मिलते हैं, लव लव।